दो बच्चों को छड़ के गई है एक कलयुगी माँ का तुहाडे सामने सच लियाउण जा रहे हैं। तो पहला तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्हें भी इंसानों ने जिन्हें भी लोगों ने ये वीडियो शेयर की सी। जी फोटो तुसी देख रहे हैं सारी स्टोरी लास्ट तक जरूर सुनियो, ये की सच्चाई है यदि सामने आ चुकी है सारी। और जिहड़े मुंडे नाल ये कुड़ी घरों छड़ के चली गई सी वो मुंडे की भी तुहानूं मैं फोटो दिखा दिंदा, वो मुंडा वा और ये मुंडा जलालाबाद शहर का रहने वाला वा। और आ भैन की फोटो आ और आ मुंडे की फोटो आ जिदे नाल ये कुड़ी गई आ। एक बहुत कहिंदे एक इंसानियत लई शर्मसार गल सीगी कि साडे समाज किदां दी घटनावां हो रही कि एक विआह कराए नूं ये कुड़ी नूं 12 साल हो गए सीगे और दो बच्चे भी, एक बच्चे की उम्र 10 साल आ, दूजे की कुड़ी की शायद 8 साल आ। तो किवें बच्चे मापियां दी इज्जतां रोलदे आ, तुसीं मुंडे की फोटो देख सकते हैं और आ भैन और किवें बच्चे मापियां दी रोलदे आ। आ जिहड़े मुंडे दी जिहड़े मुंडे नाल ये कुड़ी घरों गई आ, ये मुंडा जलालाबाद शहर का रहने वाला सीगा। तो जो ये घरे जा के सारा कुछ पता, ये मुंडे की भी माँ घर छड़ के जा चुकी, माँ को घरे लिया चाहना तो मैं इस घर च नहीं रह सकती, वो माँ ये घर छड़ के चली गई है। और ये दादे ने पिछले 25-30 साल तो सरपंची की पिंड च। तुसी देखो जिहड़े बंदे सामने चार बंदे गल नहीं करते होने, अज वो दादे का रो रो के बुरा हाल आ, मुंडे दे प्यो दी पिछले करोना काल च डैथ हो गई सी, मौत हो गई सी। और देखो अज कितना ना चमका रहा बंदा भी। बंदे ने दस्सिया कि वीरे जदों मैनूं पता लग्गिया सीगा ये पहला भी घर छड़ के जा चुकी सीगी, तो मैं बहुत समझाया सीगा इहनूं फोन कॉल करके कि तू घर छड़ के ना जा वापिस आ जा, तो वह फिर वापिस आ गई सी और एक महीने बाद फिर चली गई। और कहिंदा मैं आह बंदे दीआं मिन्नतां कर रहा, कुड़ी दे घर वाला कहिंदा उहनूं 50,000 नाम भी रखिया सी, तो मुंडे ने नाम रखा से घर वाले ने कहता बई मैं 50,000 रुपया नाम रख तैयार हाँ। जिथे कुड़ी रह रही थी आ मुंडे नाल जलालाबाद तो सानू पता लग्या से उत्थे नाल ही नेड़े कमरा किराए ते लैके उत्थे दोवें रह रहे सीगे। और नित इन्हां दा कुत्त कलेस हुंदा सी। इह अज दीआं नौजवान मुंडे कुड़ियां लई वी आ, जिहड़े तुसीं किसे मुंडे पिछे लग के अपना घर बार छड्ड देणे आ ना, बाद चो की हालात हुंदे पता बाद चो लगदा कि मुंडे पहिलां सुपने बहुत दिखा दिंदे आ कि तैनू मैं शिमले लै जूंगा, तैनू मैं बाहर लै जूंगा, आप तंदर बाद चो पता लगता हूँ जो मोटरसाइकिल बुलट मंग के लिया भी यार दोस्तों का होंगे सी। और एक कुड़ी नित हुण उन्होंने गुआंढियों ने दस्सिया जिथे किराए दे भज के कमरा लैके रह रहे थे कि भाई नित कुत्त कलेस हुंदा सीगा। कुड़ी कहिंदी सी मैनू आपके घर लैके जा, मुंडा कहिंदा सीगा मेरी माँ घर छड्ड के चली गई मैं किवें लैके जावां। और देखो साडे समाज किदां किदां दी आ माँ दी, मैं तां कलयुगी दी गल करूंगा कि यार एक मिनट लई नहीं इहने सोचिया को बंदा इहनूं किन्ना प्यार करदा होगा इहदे घर वाला, जिहड़ा हजे भी कह रहा कि भाई मैं तां घर वसा लैणा यार। तुसीं देखो किन्ना उह बंदा किस लैवल दा प्यार करदा होगा, वह इहदे लई नहीं उहनूं फिकर, उहनूं फिकर अपने बच्चियां दी। जिहड़े दो बच्चे छड्ड के कहिंदा जांदा कि इक माँ का जिहड़ा प्यार हुंदा ना, माँ का अपने बच्चे नाल प्यार हुंदा, भाई जी अपनियां नाड़ां कट के दूजा किसे नूं जन्म देना, इह बंदा इह काम नहीं कर सकदा। और तुसी देखो किड्डी वड्डी की स्वाद पिया दुनिया नूं ऐसा कि जिहड़े बच्चे आ साडे 10-10 साल दे, उह 22 दा 28 साल रिश्ता सीगा इस कुड़ी नाल, बचपन तो जानदे सीगे फिर विआह करवाया। और जे इदां दी घटनावां होणियां शुरू हो जाणगियां तां मेरे हिसाब नाल लोकां दा विआहवां तों वी विश्वास उठण लग्गिया, टाइम नहीं लगणा कराइए की हालात हो रहे समाज दे। और हले भी इह घरे नहीं आए, ये मुंडे की फोटो तुसी वीडियो देख के शेयर करो, हले भी भज्जे हुए परिवार ने यही किया वा, पुलिस प्रशासन ने यही किया वा कि असी परिवार ने भी यह कहा कि 10 दिन तक असी थोनू मुंडा कुड़ी पेश कर देंगे। तो मुंडे के परिवार वाले ने भी यही किया, मुंडे का तो पता ही होंगे परिवार को कि मुंडा कित्थे रह रहा कित्थे नहीं रह रहा कित्थे गए आ। ये पतंदर सवेरे घरों चला जाता रात को घर आ जाता, तो बुरा हाल तो बंदे का होया पिया वा, 10 किले मुंडे को जमीन दे आउंदे सी घरे, कहिंदा भाई गड्डी सी ट्रैक्टर घरे आ, सारा पैसा धेला जिन्ना भी सीगा कुड़ी दे हाथ च ही हुंदा सी। फिर पता नहीं मैं कहना किहड़ा इहदा दिमाग घूमिया हुण ऐसा की पागल होए पए आ, लोकां नूं दींदा की आ। आ जिहड़े मुंडे नाल गई आ ना, तुसीं देखो कि किस लैवल ते कुड़ियां दा अजकल आशकें चक्करां च दिमाग खराब हो चुक्या कि बंदे घरे दो कमरे भी छत दे छत्ते है नहीं चाहे नाल, और जिस घरों गई आ राज करदी सी, की हालात हो गए समाज दे। कुड़ियां किसे दियां गल्लां च आ के ना भाई गलत कदम चक लैंदियां, मेरे कोले बहुत केस जदों असीं हॉस्पिटल च खड़दे आ ना, साडे कोले रोज़ ऐसे 4-5 केस आउंदे वे आ
कि जिदे विचों कुड़ियां मुंडियां दियां गल्लां च आ के सारियां इक्को जणियां हुंदियां, बहुत सारियां लव मैरिज सफल भी हुंदियां, बहुत सारे मुंडे निभाउंदे भी आ, सच्चे दिलों निभाउंदे आ, ते कई बार तो ऐसे हाल हुंदे आ कि हाँ प्यार करना गलत गल नहीं, पर उस प्यार दे चक्कर च घरदिआं दी इज्जत नीलाम करनी ये बहुत गलत गल आ बई। जिहड़े माँ प्यो ने तुहानूं सारी जिंदगी पालिया, एक माँ ही ऐसी होंगी जी 9 महीने अपने बच्चों नूं अपने नालों वध जानदी हुंदी आ, और तुसीं जवानी दे विच ऐसियां गलतियां कर बैंदे जिहड़ा तुहानूं हर बंदे नूं पछताउणा पैंदा। जिन्हां ने भी घरदिआं तों वक्ख हो के विआह करवाए होणगे ना घरदिआं दी मर्जी दे खिलाफ जाके, अज उहनां तों पुछ के देखो एक वारी उहनां कोले 10 मिनट बह के कि उह बंदे कन्नां नूं हत्थ ला रहे आ कि साडा कख नहीं रहा। हुण अज मुंडे नाल आ मुंडे दा फोन कॉल चक्कना बंद कर देवे, घरे ले जा नहीं रहा, फोन बंद करके आपदा कितें चला जाए, कुड़ी की करूगी बई, कित्थे जाऊगी, ना अगे दा रहा ना बंदा पिछे दा रहा। ये पहला सोचना चाहिए अज दियां कुड़ियां नूं ना, क्योंकि जदों अपना किसी भी मुंडे ते विश्वास करना हुंदा वा पहला ये सोच लिया करो उन्हें 20-25 साल की जिंदगी अपने च की कीता। जिहड़े बंदे ने कदे 20 साल मैं आपदी माँ प्यो नूं कदे रोटी ना खवाई होवे, दूजे नूं मैं शिमले जाण दे सुपने दिखाई जावां, वह कित्थों पूरे कर दूं बंदा बई। साढ़े कोल केस आउंदे आ बई, घरदिआं दी मर्जी तों बाहर जाके कुड़ियां मुंडे विआह करवा लैंदे आ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਕੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, 10-10 ਰੁਪਈਏ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਡੋਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜੂ ਬਾਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੀ ਹੈਣੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਸਾੜਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੇ ਘੁਆ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਫੁਕਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਚੁਦਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਚੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੋਰੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 7888 31 616 7888 31 616 ਨੰਬਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।